चलें बेटा हेडिंग देने, हजार बोकर साहब के टेन्योर जरा हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम मैप बनाएंगे आगे चल के। चलें पहले हम मैप बना लेते हैं, मैप हम बना लेते हैं बेटा। मैप कुछ इस तरह से बनाइएगा, वही वाला मैप दोबारा से बना लें। मैप कुछ इस तरह से था बेटा हमारे पास, ये यमन, आज इसकी जरूरत पड़ेगी यमन की, ये ओमान, ये मक्का, ये मदीना, यहां पे बेटा मुल्क-ए-शाम, और यहां से अगर आप देखेंगे तो मुल्क ईरान, जो आजकल ईरान है, इसका नाम तो उस वक्त फारस, फारस। तो ये थोड़ा से एरियाज देखेंगे। आजकल यहाँ पे वैसे देखा जाए तो इराक मौजूद है यहाँ पे। आजकल जो कंट्री है वो कौन सा है बेटा हमारे पास, यहाँ पे इराक है। उस वक्त इराक नहीं था, उस वक्त इराक नहीं था, बल्कि कौन सा मुल्क था, मुल्क-ए-शाम था। मुल्क-ए-शाम था, ये इराक का एरिया भी सारा उसी में आता था। इराक का कुछ एरिया इधर सल्तनत फारस के अंडर था और कुछ शाम के अंडर था, इराक उस वक्त नहीं था। आजकल यहाँ पे एक मुल्क इराक भी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको ये करवाया है। तो शुरू करते हैं बेटा, अबू बकर सदीक साहब को हुकूमत कैसे मिली, पहले हम ये देख रहे थे। चले पहले हम देखते हैं कि अबू बकर सदीक साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बेटा इनका नाम पूछा जाएगा, असल नाम क्या था। तो इनका असल नाम था जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जो था इनका असल नाम था। लिखे जरा असल नाम क्या था बेटा, अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला या इस्लाम से पहले इनका नाम था अगर देखा जाए तो अब्दुल काबा। इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम क्या था, अब्दुल काबा, इस तरह से इनका नाम था ओरिजिनल। जब इस्लाम कबूल कर लिया फिर अब्दुल काबा से इनका नाम तब्दील करके अब्दुल्ला रखा गया। क्या रखा गया जी, अब्दुल्ला रखा गया। अबू बकर इनकी कुनियत थी, अबू बकर का मतलब है ऊंटों का बाप। तो ऊंटों के साथ इन्हें बहुत ज्यादा लगाव था, उनके साथ खेला करते थे, तो इसीलिए इन्हें अबू बकर कहा गया। क्या कहा गया बेटा इन्हें, अबू बकर कहा गया ऊंटों से। तो इसके हवाले से आप ये देखें कि इनकी जो वालद वालद हैं, वालद का नाम लिख लें और वालदा का नाम लिख लें। इनके वालद साहब का नाम क्या था, वालद का नाम था अब्दुल अबू कुहाफा, अबू कुहाफा या अबू कुहाफ, अबू कुहाफ या फिर अबू कुहाफा, या इसे उस्मान भी कह लें। असल नाम इनका भी उस्मान था, वैसे पूछा नहीं गया, अबू का अबू कुहाफा ही पूछा गया है पेपर में। और इनकी वालदा का नाम, इनकी वालदा का नाम था उम्मे सलमा, जिन्हें हम उम्मुल खैर भी कहते हैं। उम्मे सलमा लिखे जरा, उम्मे सलमा या फिर उम्मुल खैर। ये बड़ा सारे सवाल है कमीशन के एग्जाम में, ये सारे सवाल बने हैं कि उम्मे सलमा का लकब क्या था। तो उम्मुल खैर उन्हें हम कहा करते थे, उम्मुल खैर। उम्मे सलमा, वालिद का नाम अबू कुहाफा या असल नाम उनका उस्मान था। तो अब्दुल्ला सा जो अबू बकर खुद सदीक साहब खुद थे, उनका क्या नाम था, अब्दुल्ला था असल नाम। इस्लाम के बाद, इस्लाम से पहले अब्दुल काबा इनका असल नाम था। यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके लकब देख लेते हैं जरा, इनके तीन चार लकब हैं बेटा। नंबर वन है जी हमारे पास सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक। मैंने आपको बताया वाकया है जो मेराज था, उनकी तस्दीक सबसे पहले अबू बकर सदीक साहब ने की थी, इसीलिए नबी पाक ने इन्हें क्या कहा था, क्या है अबू बकर तूने सिद्क किया, सच कहा, तो वहीं से सिद्दीक इनका लकब पड़ा। दूसरा इनका लकब था अतीक, अतीक सिद्दीक के बाद अतीक। अतीक वैसे बुजुर्ग को कहते हैं, अतीक का लफ्ज मतलब क्या है, बुजुर्गी। उसके बाद यारे गार, यारे गार भी सवाल बनाया पेपर में, किसे कहा जाता है, अबू बकर सिद्दीक साहब को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो नबी पाक के साथ जब हिजरत के लिए निकले थे तो गौर सौर में रहे बड़े अरसे तक, मतलब यारे गार का लफ्ज मतलब होता है एक अच्छा दोस्त,
मुश्किल अच्छे और बुरे वक्त का साथी जो होता है। यार गार आजकल मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है यार गार का, तो यार गार भी इन्हीं को कहा गया, अतीक ने कहा गया और सदीक कहा गया। अबू बकर जो थी इनकी कुनियत थी, इसे ऐड कर ले, अबू बकर इनकी क्या थी बेटा, कुनियत थी, इनकी कुनियत क्या थी, अबू बकर थी। तो इस तरह से इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से अब इन्होंने इस्लाम कब कबूल किया वो मैंने आपको बताया कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले जो शख्स है वो कौन है, जी अबू बकर सिद्दीक साहब है। दूसरा इनका सिलसिला नसब नबी पाक के साथ कहां जाके मिलता है, तो नबी पाक के साथ जाके इनका सिलसिला सब मिलेगा सातवीं पुश्त पे, सेवंथ जनरेशन पे। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, स्टार्ट वाला जो पहला पहला लेक्चर था उसमें करवाया था। कहां किस पे जाके, मर आ पे जाके, मर आ, मर आ पे जाके सेवंथ जनरेशन पे इनका सिलसिला नसब नबी पाक के साथ जाके मिलेगा। इनका कबीला कौन सा था, बनू तमीम था, बनू तमीम लिखें जरा, बनू तमीम इनका कबीला। ये सारे सवाल बने हैं बेटा पेपर में, ये सारे सवाल है, कुछ भी मैं आपको अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा हूं, सारे कमीशन के एग्जाम में किसी ना किसी में ये पूछे गए हैं। तो कबीला बनू तमीम, सिलसिला सब नबी पाक के साथ सातवीं जनरेशन पे, मर आ पे जाके, मर आ पे, ठीक हो गया जी। तो ये इनका जो है ना जी पर्सनैलिटी के हवाले से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा और कौन से सवाल बन सकते हैं इनके हवाले से, तो हाँ इनकी जो बेटी हैं हजरत आयशा सद्दीका साहिबा जो हैं वो इनकी बेटी हैं, वो नबी पाक की बीवी हैं, हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि अबू बकर सिद्दीक साहब की कौन सी बेटी नबी पाक के निकाह में आई या फिर हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से है, तो हजरत आयशा सद्दीका का भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं हम। और उनका जो है ना उनके हवाले से ये है कि एक तो उनकी उन्होंने हदीस लिखी औरतों में या उम्महातुल मोमिनीन में सबसे ज्यादा हदीस किसकी मौजूद है, ये सवाल बना है और उनकी तादाद पूछता है एग्जैक्ट, तो इसे मैं रेज करता हूं यहीं पे, मैं लिख देता हूं। जी बेटा हजरत आयशा ने कितनी हदीस लिखी, जी इन्होंने 2210, इसी तरह से मैंने याद किया था, आप भी ऐसे याद करिएगा, 2210 जो आदीस हैं वो हजरत आयशा सदीका ने लिखी है, मतलब उम्मातुल मोमिनीन में सबसे ज्यादा आदीस की रावी है ये। और ये उम्मे रुमान में से थी, अबू बकर सदीक साहब की एक बेगम का नाम तो उम्मे रुमान, ही सवाल बना है पेपर में, उम्मे रुमान ये सवाल बनाया कि आयशा सदीका साहिबा की जो माँ थी उनका क्या नाम था, या ना अबू बकर सदीक की वो कौन सी बेगम थी जिसमें से हजरत आयशा सदीका साहिबा थी, तो उम्मे रुमान थी आयशा सदीका साहिबा की जो वालदा थी, जिनमें से मतलब एक से ज्यादा शादियों का रिवाज था ना अरबों में, तो हजरत आयशा सदीका की वालदा का नाम उम्मे रुमान, याद रखिएगा, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब हिजरत करके गए नबी पाक तो अबू बकर सिद्दीक साहब उनके साथ थे, उसके बाद जब सवाल जब बनता है मदीना में जब पहुंचे मस्जिद नबवी जो मौजूद है उसकी जमीन की पैसे किसने अदा किए, ये सवाल बनता है, तो उसके पैसे भी अबू बकर सिद्दीक साहब ने कहा जाता है अदा किए थे, सहल और सुहेल की जो जमीन थी जिसे खरीद के फिर बाद में मस्जिद नबवी और नबी पाक का घर बनाया गया, तो उसके हवाले से भी एक सवाल बनता है। और यहाँ से क्या सवाल बन सकता है बेटा, इसके अलावा देखें कि हजरत बिलाल को किसने खरीद के आजाद किया, ये सवाल बनेगा। जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हजरत उस्मान गनी ने इनके कहने पे इस्लाम कबूल किया था, अब इस तरह कह लेंगे हजरत उस्मान गनी को कन्विंस करके नबी पाक के पास लेके आना, इस्लाम कबूल करवाना, इनका कारनामा था। उसके बाद आप ये देखें कि हजरत बिलाल को जब उमैया बिन खलफ जो उसका मालिक था वो उसमें तशद्दुद किया करता था उनके ऊपर, तो उस वक्त कहा जाता है अबू बकर सिद्दीक साहब साथ से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने उसकी कीमत अदा करके उसे ले आए नबी पाक के पास और फिर आजाद कर दिया उसे। तो हजरत बिलाल के हवाले से आता है किसने खरीदा और आजाद किया, अबू बकर सिद्दीक साहब ने खरीदा और आजाद किया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पहले अमीर हज नबी पाक की जिंदगी में जब 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ तो नबी पाक खुद नहीं जा सके थे हज के लिए, तो नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक साहब को भेजा था पहला अमीर हज बना के कि आप जाएं इन्हें लीड करें और हज करवा के लेके आए। 300 सहाबा किराम को लेके गए थे,
उसके बाद मैंने आपको बताया नबी पाक की जिंदगी में आपने 17 नमाजों की इमामत फरमाई। कितनी नमाजें? 17 नमाजें थी। ये सारे सवाल है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक हो गया जी। तो ये है जी इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से क्वेश्चन, अबूबकर सिद्दीक साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से क्वेश्चन। अब जरा हम देख रहे थे इन्हें हुकूमत कैसे मिली, उसके बाद फिर इनकी जंगे फतुहात और बाकी जो मामला है वो देखेंगे। इसे मैं रेज करता हूँ, इसे मैं रेज करता हूँ। तो जरा हम देख लेते हैं कि इन्हें हुकूमत कैसे मिली। देखें, नबी पाक की जैसे वफात हुई तो उसके बाद एक जो मदीना के अंदर मतलब है कि आप कह लें कि लीडरशिप का एक क्राइसिस पैदा हुआ, तो जो आसपास के लोग थे, कबीले थे, हुकूमतें थी, उसके ऊपर नबी पाक की एक धाक बैठी हुई थी। अब जैसे नबी पाक इस दुनिया से गए तो वो जो कबीले थे सारे के सारे, एक तो वो आजाद हो गए, उन्होंने कहा जी हमारा मुआहदा नबी पाक के साथ था, नबी पाक नहीं रहे तो हमारा कोई मुआहदा नहीं आप लोगों के साथ। तो बहुत सारे कबायल बगावत कर देंगे, मतलब एक तो कबायल बगावत करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे ना। अब यह मदीना के अंदर भी इशू खड़ा हो गया कि जी अगला खलीफा कौन होगा, जी नबी पाक के बाद उनका जानशीन कौन होगा, खलीफा कौन होगा। उसके लिए अब जो मदीना के लोग थे, अनसार जो थे, वो समझते थे कि हम इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि हमने यहां से इस्लाम को ताकत दी, नबी पाक के साथ खड़े रहे, जंगे लड़ी हमने, सारी फतुहात ये हमारी वजह से हैं। औस और खजरज कबीले मेन जो थे, जिनका सबसे बड़ा आप कह लेंगे जो लीड करने वाला बंदा था वो था हजरत साद बिन अबादा। हजरत साद, लिखें हजरत साद बिन अबादा जो थे, खजरज कबीले से थे ये, तो ज्यादा लोग कहते थे कि हजरत साद बिन अबादा जो होंगे वो नबी पाक के जानशीन बनेंगे। फिर औस कबीले से भी सरदार खड़ा हो गया। इस तरह से मतलब मुख्तलिफ कबायल से और मुख्तलिफ जो लोग थे वो दावेदार बन गए किसके खिलाफत के। अब मक्का से भी तो लोग इधर गए हुए थे सारे, बनू हाशिम वाले, बनू कुरैश के लोग भी तो यहाँ पे थे सारे के सारे। तो इस तरह से जब एक खिचड़ी बनी तो एक मतलब कहा जाता है कि जंग का सा माहौल बन गया, कोई मुत्तफिक नहीं हो रहा था, जो उम्मत का इतिहाद था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो उस वक्त कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक साहब को मैसेज दिया गया हजरत उमर फारूक की तरफ से और हजरत अबू उबैद बिन अल जर्राह की तरफ से कि जी सकीफा बनू सादा, जगह का नाम लिखे सकीफा बनू, ये पूछता है सवाल पेपर में, सकीफा बनू सादा ये जगह का नाम है बेटा, इसके बारे में सवाल आएगा पेपर में बनाए। तो सकीफा बनू सादा के मकाम पे ये सारे सरदार इकट्ठे थे। अबू बकर सिद्दीक साहब को बताया गया कि जी वहां इस तरह से शुकड़ा हो गया है, तो आप चले इसका कोई हल निकालें। तो जब ये तीनों अशखास वहां पहुंचे, अबू उबैद बिन अल जर्राह और हजरत उमर फारूक साहब और साथ में अबू बकर सिद्दीक साहब, तो वहां पर जो सारी खिचड़ी बनी हुई थी खिलाफत के लिए वो खिचड़ी पकती रही और ज्यादा लोग मुत्तफिक थे हजरत साद बिन अबादा पे कि जी इन्हें होना चाहिए। लेकिन इस ये थे खजरज कबीले के, इनके मुकाबले में औस कबीले का सरदार खड़ा हो गया, वो जो इनकी पुरानी दुश्मनी थी औस और खजरज की, इसी तरह से और भी मतलब मसाइल खराब हो रहे थे। तो उस वक्त कहा जाता है कि हजरत अबू उबैद बिन अल जर्राह साहब ने तकरीर की और अनसार, ये सारे अनसार है मदीना वाले क्या कहलाएंगे, अनसार कहलाएंगे। तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि अय अनसार वालो, अय मदीना वालो, इसमें कोई शक नहीं है इस्लाम को फैलाने में, तुम आगे आगे रहे हो नबी पाक का साथ देने में। अब इस दीन को, उम्मत के इत्तेहाद को खत्म करने में आगे आगे ना रहो। तो इस तरह से कहा जाता है। फिर कुछ लोग रुक गए और अल्टीमेटली यहाँ पे सकीफा बनू सादा के मकाम पे हजरत अबू बकर सिद्दीक साहब को खलीफा चुन लिया गया, खलीफा चुन लिया गया वोटिंग के जरिए, और इस तरह से अबू बकर सिद्दीक साहब को खिलाफत मिली। तो सवाल पिछले दिनों ये बना हुआ था पेपर में कि अबू बकर सिद्दीक साहब की जो बैत हुई खिलाफत की वो कौन सी जगह पे हुई, मस्जिद नबवी में हुई या फिर सकीफा बनू सादा पे हुई, या इस तरह से दो तीन ऑप्शन और वो बना देगा आपको। तो अबू बकर सिद्दीक साहब की खिलाफत की जो बैत होगी वो सकीफा बनू सादा के मकाम पे होगी। तो सबसे पहले अबू उबैद बिन अल जर्राह साहब क्या करेंगे, बैत करेंगे, फिर हजरत उमर फारूक साहब करेंगे और उसके बाद फिर बाकी सहाबा इकराम करेंगे। हजरत अली के बारे में आता है कि इन्होंने तकरीबन 9 दिनों के बाद मतलब है कि बैत की थी, क्योंकि नबी पाक के अहले बैत से थे हजरत अली, तो वो अपने मामलात में उधर मसरूफ थे,
तो 9 दिनों के बाद कहा जाता है कि उन्होंने बैत की थी। इस तरह से खिलाफत मिल गई किसी अबू बकर सदीक साहब। अच्छा हजरत साद बिन अबादा के बारे में आता कि इन्होंने कभी बैत नहीं की थी, इन्होंने नहीं माना था खलीफा। इस तरह से देखो जोर जबरदस्ती तो नहीं था ना, जबूरी एक प्रोसेस था कि जो माने ठीक है, जो नहीं माने ओके है। इस तरह से और ये हो गया, खिलाफत मिल गई। अब असल मामला तो अब शुरू होंगे। अब देखे चारों तरफ बगावत है। उस वक्त के हालात के बारे में सोचें, जो रियासत मदीना थी वो खत्म हो चुकी है, उसका कोई मतलब है कि ना सर है ना पैर है। अब दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहा था सारी चीजों को। लोगों ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, मुसलमानों ने ही, जकात देने से इनकार कर दिया, कुछ ने झूठी नबूवत का दावा कर, अभी पढ़ेंगे हम झूठे नबी कौन कौन से थे जिन्होंने कहा कि हम नबी हैं। तो इस तरह से मामला बहुत ज्यादा खराब होंगे। तो इस तरह से मेरा मामला तो आगे जो चलेंगे, जो जंगे होंगी वो जरा हम डिस्कस करते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे अबू बकर सिद्दीक साहब? सबसे पहले ये करेंगे कि ये हजरत उसामा बिन जैद, हजरत उसामा बिन जैद साहब को भेज देंगे शाम की मुहिम पे। वो जो नबी पाक ने भेजा था, अभी वो रास्ते में थे तो नबी उन्हें खबर मिली कि नबी पाक फौत हो गए, तो वापस आ गए थे। तो वो जो आखिरी सरिया था शाम की तरफ गजवा मौता की शहीदों का बदला लेने के लिए जो भेजा था नबी पाक ने उसामा बिन जैद को, वो काम अभी अधूरा था नबी पाक का। नबी पाक का काम था, नबी पाक का ऑर्डर था, वो काम अधूरा था अभी। तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक साहब ने कहते हैं जाओ, जो काम आपको नबी पाक ने असाइन किया था वो पूरा करके आओ। अब चारों तरफ बगावते हैं, खतरा ये है कि मदीना पे हमला करके कोई कब्जा ना कर ले, इस तरह की सूरत हाल थी। तो मशवरा दिया गया अबू बकर सिद्दीक साहब को कि जी अभी उसामा बिन जैद को कुछ दिन ना भेजिए, हमें मदीना में आर्मी की जरूरत है, सारे जो फौजी हैं आर्मी है वो आप भेज दोगे उधर शाम की तरफ, तो पीछे यहां मदीना पे किसी ने कब्जा कर लिया फिर क्या होगा। तो खैर अबू बकर सिद्दीक साहब का जो ईमान था उन्होंने कहा नहीं, ये नबी पाक का ऑर्डर है, हुक्म है, तो सबसे पहले ये पूरा होगा, बाकी अब मदीना में देख लेंगे। इस तरह से वो चले गए। अब मदीना के अंदर मसाइल खराब होंगे। मदीना में मसाइल किस तरह से होंगे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया बगावतें हो चुकी हैं चारों तरफ, हर बंदा आजाद हो गया। अब देखिए मेरी जेब से पैसे जाएंगे तो मुझे तो दुख होगा जकात की मद में। अब जब मेरा मुआहदा जिसके साथ था वही चले गए, नबी पाक चले गए इस दुनिया से, मैं तो आजाद हूं, मैं कहूंगा मैं क्यों दूं वही टैक्स, मैं क्यों जकात दूं। तो इस तरह से लोगों ने बगावतें कर दी थी यहाँ पे बहुत ज्यादा। अच्छा पहले हम जिक्र करते हैं कि झूठे नबी होंगे, झूठे नबी जो थे उन्होंने दावे शुरू कर दिए कि मैं नबी हूं, नबी पाक के बाद नबूवत मेरे पास आ गई है। इस तरह से पहले हम उनका जिक्र करते हैं, फिर बाकी जो जंगे थी उनका जिक्र करेंगे, इसे मैं रेज करता हूं। तो सबसे पहले बेटा लिखे अस्वद अंसी के बारे में, लिखे अस्वद अंसी, अस्वद अंसी, इसका असल नाम था अकीला बिन काब, अकीला बिन काब, इसका असल नाम था अकीला बिन काब, अस्वद अंसी से कहेंगे, इसे कहेंगे हम पर्दे वाला नबी। पेपर में आया पर्दे वाला नबी, पर्दे वाला नबी या फिर गधे वाला नबी, ये मशहूर हुआ तारीख में गधे वाला नबी और पर्दे वाले नबी के नाम से। ये यमन का रहने वाला था, ये यमन का रहने वाला था। इसका जो कबीला था बनू असद बनेगा इसका कबीला, इसका कबीला बनेगा बेटा बनू अनस बनेगा, लिखे जरा अनस कबीला, कबीला कौन सा था इसका, बनू अनस था, पूछता है पेपर में कभी कभी, बनू अनस कबीले से था। तो ये जो था ना बेटा यमन, देखे यमन भी मुसलमान नबी पाक के दौर में ये फतह हो गया था, यमन भी नबी पाक के दौर में खालिद इब्ने वलीद गया था, यहाँ के सारे जो इलाके थे खालिद इब्ने वलीद ने फतह किए थे नबी पाक के दौर में ही। अभी नबी पाक जिंद असद अंसी जब बगावत करेगा ना, मतलब नबी होने का दावा करेगा, नबी पाक उस वक्त तक जिंदा होते हैं, नबी पाक उस वक्त तक जिंदा, ये नबी पाक के दौर की बात बता रहा हूं आपको। अस्वद अंसी साहब क्या करते हैं जी, यहां पे अपना नबी होने का दावा कर, नबी पाक की जिंदगी की बात बता रहा हूं अभी आपको मैं। वो कहता जी मैं नबी हूं, रहमान और रहीम अपना इसने कहा जी, मैं यमन का रहमान और रहीम,
तो इसने क्या कहा, इसने नारा लगाया कि यमन यमन वालों का। ये ऐसे काला सा इसका रंग था और इसकी भद्दी सी शक्ल थी, देख के भी लोगों को डर आता था, डर लगता था। तो ये चला गया 40 दिन के लिए गार में, चिल्ला काटा इसने। वहां से जब ये वापस आया, इसने कहा जी मैं नबी हूं, यमन जो है वो यमन वालों का, मुसलमानों को यहां से मार के निकाला जाए। ये शब्देबाजी क्या करता था, इसने गधा रखा हुआ था, गधे को कहता बैठ जाओ, गधा बैठ जाता, फिर गधे को कहता खड़े हो जाओ, गधा खड़े हो जाता। इसी तरह से कभी लड़की को इसे हवा में मुअल्लक कर देता, कभी जलती हुई शमा मुंह में डाल लेता, इस तरह की शब्देबाजी किया करता था, जिससे यमन के लोग इंप्रेस हुए और वो इसके पर ईमान ले आए। और उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को यहां से कत्ल वगैरह शुरू कर दी, मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया और सारे इलाके में कब्जा कर लिया। अब सहाबाए किराम यहां से पहुंचे नबी पाक के पास मदीना, क्या है अल्लाह के नबी हमें तो वहां मारा जा रहा है, वहां तो असद अंसी ने क्या किया है, नबूवत का दावा कर दिया है, हम किधर जाए, हमारी हेल्प करें, कोई आर्मी भेजे। तो नबी पाक आर्मी नहीं भेज सके, क्यों नहीं भेज सके, उस वक्त मैंने आपको बताया कि शाम में यहां से खतरा था, हरकल रूम का खतरा था, और उसामा बिन ज़ैद को भी लश्कर देकर नबी पाक भेज चुके थे मौता की तरफ, इधर के मामला खराब थे। अगर आर्मी को यहां से इधर भेज दिया जाता पीछे मदीना के ऊपर कब्जा होने का खतरा था। तो नबी पाक ने प्लान ये किया कि आर्मी तो हम नहीं भेजेंगे, बल्कि एक बंदे को, एक साहबी को ड्यूटी लगाई गई जिसका नाम था कैस बिन उबैरा। देखिए जरा, कैस बिन उबैरा ये था जी एक साहबी, इसकी ड्यूटी लगाई गई कि वो अपने लाइक माइंडेड जो मुसलमान लोग हैं जो छुपे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को रोपोश किया हुआ, उन्हें इकट्ठा करे और अश्वद अंशी के खिलाफ बगावत करें। क्या करें, अश्वद अंशी के खिलाफ बगावत करें। तो कैस बिन उबैरा साहब जो थे इन्होंने इकट्ठा किया लोगों को, और एक दिन उन्होंने अश्वद अंशी के महल में घुस के उसके ऊपर हमला किया और उसका सर काट दिया, सर काट के बाहर माल के बाहर आके लटका दिया। और उसके बाद सारे मुसलमान जो भी छुपे हुए थे निकल आए बाहर और उन्होंने यमनियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस तरह से सारे यमन को दोबारा से फतह कर लिया गया। और फिर हजरत माज बिन जबल, इनके बारे में सवाल आता है, हजरत माज बिन जबल उन्हें बुलाया गया और उन्होंने इमामत करवाई, और इस तरह से मामलात ये सारे दोबारा से कंट्रोल हुए। अश्वद अंशी कत्ल हो गया नबी पाक के दौर में ही, और जब इसकी खबर पहुंची अश्वद अंशी के कत्ल की मदीना में, तो मतलब सहाबा किराम यहां से खबर लेके पहुंचे मदीना में कि नबी पाक को खुशखबरी सुनाए। तो जब मदीना में पहुंचे तो मदीना में एक शोक था, क्यों, क्योंकि नबी पाक इस दुनिया से जा चुके थे, नबी पाक इस दुनिया से जा चुके थे। क्योंकि देखिए उस वक्त महीने लगते थे आने जाने के लिए, पैदल सफर था, कम्युनिकेशन तो थी नहीं, मोबाइल तो था नहीं कि जी फौरन मैसेज पहुंचा दिया, इस तरह की सूरत हाल तो नहीं थी, कई महीने लग जाते थे आने जाने में। तो इस तरह से जब ये पहुंचे इधर मदीना में, तो नबी पाक इस दुनिया से जा चुके थे। तो अश्वद अंशी का किला कुमा इस तरह से हुआ। अश्वद अंशी के बारे में 2-3 सवाल बनेंगे, एक इसका कबीला या पर्दे वाला नबी कौन सा था, अश्वद अंशी था, गधे वाला नबी अश्वद अंशी, काला नबी यही था, किसने बगावत की और कत्ल किया इसे, कैस बिन उबैरा ने, और भी लोग थे बहुत सारे, बस आप एक ही नाम याद रखिए, कैस बिन उबैरा का नाम याद रखिएगा। ठीक हो गया बेटा, अश्वद अंशी कत्ल हो गया, खत्म हो गई जान छुटी, बताए जरा मुझे यहां तक, जी बेटा बताइएगा, अश्वद अंशी की कहानी खत्म हो गई, चले बट आगे चलती है, ये लाइट चला गया, चले उसके बाद बेटा हम आगे चलती हैं, इसे मैं रेज करता हूं। नहीं वहीं से चलेगी तार, सही करो, चले बेटा नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम जिक्र कर लेते हैं तलैहा का, तलैहा का जिक्र कर लेते हैं, मतलब तलैहा लिखें जरा, तलैहा, तलैहा ये भी झूठा नबी था जी, तलैहा, तलैहा का कबीला बेटा पूछा जाता है अक्सर, तो बनु असद इसका कबीला था, बनु असद, बनु असद था इसका कबीला तलैहा का। तो इसने भी नबी होने का दावा कर दिया कि मैं भी नबी हूं, इसने इस एरिया में, यहाँ पे ये जो एरिया था यहाँ पे कत्लो गारत की, तो सारी इसने क्या की,
कत्ल गारत की किसने तलेहा ने बनु असद से इसका ताल्लुक था, इसकी सरकोबी के लिए किसे भेजा गया, यह सवाल बनाए कि तलेहा की सरकोबी के लिए किसे भेजा गया। तो बकर सदीक साहब ने भेजा हजरत खालिद इब्ने वलीद को, हजरत खालिद बिन वलीद साहब को भेजा गया तलेहा की सरकोबी के लिए। तो बुजाखा के मकाम पे जंग हुई, कहां पे जंग लड़ी इसने, बुजाखा के मकाम पे, बुजाखा के मकाम पे जंग हुई तलेहा और हजरत खालिद इब्ने वलीद के दरमियान में। तलेहा जंग हार गया, इसकी फौज को कतर कर दिया गया, लेकिन ये खुद जान बचा के भाग गया, खुद ये यहां से जान बचा के शाम की तरफ भाग गया। तलेहा जिंदा बच गया था, ये खुद नहीं कत्ल हुआ था, इसकी आर्मी सारी कत्ल हो गई थी। तो तलेहा का ताल्लुक बनू असद के साथ, सरकोबी के लिए खालिद इब्ने वलीद को भेजा। जंग कहां हुई, बुजाखा में हुई, बुजाखा में। तलेहा जिंदा बच गया, तलेहा बाद में इस्लाम कबूल करेगा। हजरत उमर फारूक के दौर में जब शाम फतह होगा तो ये क्या करेगा, इस्लाम कबूल कर लेगा, फिर ये मुसलमानों की तरफ से लड़ेगा ईरानियों के खिलाफ। जो जंगें होंगी फारस में, जंगें हम डिस्कस करेंगे हजरत उमर फारूक के दौर में, उस वक्त फिर ये मुसलमानों की तरफ से लड़ता है। तो सवाल ये भी बना है कि वो कौन सा झूठा नबी था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमानों की तरफ से फिर वो लड़ता रहा। तो वो ये तलेहा था, झूठा नबी था, काम नहीं चला, बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तलेहा के बाद हम जिक्र करते हैं मुसलमा कज़्ज़ाब का, इसे मैं रेज करता हूं, मुसलमा कज़्ज़ाब को डिस्कस कर लेते हैं। मुसलमा कज़्ज़ाब को डिस्कस करते हैं जी। मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में याद रखिएगा, ये पहला झूठा नबी था जिसने नबूवत का दावा किया, सबसे पहले इसने दावा किया था नबी पाक के दौर में ही। इसने बाकायदा नबी पाक को एक खत लिखा था कि अल्लाह के नबी मुसलमा की तरफ से अल्लाह के दूसरे नबी मोहम्मद के नाम, नीचे पूरा इसने खत में वो लिखिए पैराग्राफ पूरा लिखा कि जी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आधी जमीन, आधी हुकूमत, आधी जो शरीयत है वो मुझे मेरे हवाले कर दी जाए, मैं ले लूं उनसे। इस तरह का एक पूरा एग्जाम लेटर लिखा था नबी पाक को। नबी पाक ने जब खत पढ़ा तो जवाब नबी पाक ने दिया कि मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम। तो कज़्ज़ाब का जो लकब था मुसलमा को नबी पाक ने खुद दिया था, कज़्ज़ाब का टाइटल मुसलमा को नबी पाक ने खुद अपनी जिंदगी में दिया था कि मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम। फिर आगे नबी पाक ने उसका जवाब लिखा कि जमीन भी अल्लाह की, शरीयत भी उसी की। तो इस तरह से नबी पाक ने पूरा फिर एक इसका जवाब दिया था। तो मुसलमा कज़्ज़ाब बेटा इस साइड पे था, यहां पे जो है ना इसने क्या की, खूब जो है ना था, ये बड़ा जादूगर टाइप इंसान था। मतलब ये क्या करता, इसने एक खास किस्म का कमरा सेट किया हुआ था सहरा में। ये किसी के साथ जंग नहीं करता था, ये कहता था आओ मेरे साथ मुनाज़रा करो, अगर मैं झूठा हूं तो साबित करो, अगर आप सच्चे हैं तो आप साबित करो। ये उस कमरे में ले जाता उसे मुनाज़रा करने वाले बंदे को, वहां इसने कोई खास किस्म की खुशबुएं लगा रखी थी जिससे वो बंदा क्या करता, जो मुनाज़रा करने आता वो इसके असार में चला जाता, वो वही बोलता जो ये कहता था। इस तरह का ये काम करता। नबी पाक ने एक सहाबी को भेजा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नबी पाक ने एक सहाबी को भेजा कि वो जाए जाके बाजारों में मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ वाज करे, उसकी असलियत लोगों को बताया कि ये झूठा है। एक सहाबी बड़े अरसे तक वो नबी पाक का मतलब कह लें कि साथ रहा, फिर फुल इस्लाम पे खड़ा होने वाला बंदा था। अब मुसलमा कज़्ज़ाब ने उसे बुला लिया कि आप आए मेरे साथ मुनाजरा करें। अब नबी पाक का खास आदमी, जब उसने मुनाजरा किया मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ तो मुसलमा कज़्ज़ाब को नबी मानना शुरू कर दिया उसने, और आके बाहर प्रचार शुरू कर दिया कि जी मुसलमान जो है ये क्या है, सच्चा है, नबी है ये। अब लोग और भी तवज्जो से सुने, कल तक ये बंदा इसके खिलाफ था, नबी पाक को मानता था, अब ये कहता है जी मुसलमान नबी है। मतलब लोगों का रिएक्शन उधर ज्यादा हुआ इस तरह से, मतलब ये क्या करता था। अच्छा, इसके से मुकाबले में एक औरत भी आई, लिखे जरा, एक औरत नबी भी बनी जिसका नाम है सज्जा, सज्जा बेंते हारसा, इस तरह से नाम था इसका, सज्जा बेंते हारसा। तो मर्द जो थे वो ऐलान कर रहे थे नबी होने का, औरतों ने कहा कि हम भी पीछे ना रहे।
तो सज्जा ने क्या किया, ऐलान कर दिया कि मैं भी नबी हूं। तो तारीख के अंदर एक औरत ने भी क्या किया, नबी होने का दावा किया। सवाल बनता है पेपर में, तो सज्जा ने क्या कहा, इसने कहा जी मैं भी नबी हूं। अब ये बड़े मतलब जालिम किस्म के लोग थे, कत्लो गारत करते हुए लूटते हुए आते थे। इसका जो है ना मुनाजरा होगा मुसलमा कजाब के साथ। मुसलमा कजाब कहेगा मैं नबी हूं, सज्जा कहेगी मैं नबी हूं। अब दोनों बैठ जाएंगे, मुनाजरा होगा। मुनाजरे के दौरान आपको पता है कौन जीतेगा, मुसलमा जीत जाएगा। उसने अपना जो कमरे का बनाया हुआ था उधर दे जाता है सज्जा को, और सज्जा क्या करती है, उसके सामने सरेंडर कर देती है, बल्कि उसके साथ शादी कर लेती है, उसके साथ शादी कर लेती है, अपनी नबूवत छोड़ देती है। तो सवाल यह बना है कि वो कौन से दो नबी थे जिन्होंने बाद में शादी कर ली थी। तो सज्जा और मुसलमा कज़्ज़ाब, ये दो नबी थे जिन्होंने आपस में शादी कर ली थी। सज्जा ने क्या किया, अपनी नबूवत सरेंडर कर दी, किसके सामने, मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने। तो इस तरह से जो है ना, लेकिन सज्जा फिर बाद में चली गई थी, सज्जा को बाद में कुछ दिनों के बाद ना असलियत समझ आ गई थी। ये भी चली जाती है, निकल जाती है शाम की तरफ। बाद में फिर उमर फारूक के दौर में ये भी इस्लाम कबूल करती है और मुसलमानों की तरफ से लड़ती है। फिर ये मुसलमानों की तरफ से बहुत सारी जंगों में ये हिस्सा लेती है, तलहा भी और सज्जा भी। अब मुसलमान कज़्ज़ाब को जरा हम देखते हैं कि इसका क्या बना, इसे मैं रेज करता हूँ। मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ क्या हुआ जी, मुसलमान कज़्ज़ाब के लिए बड़ा तीन जो है ना, अबूबकर सिद्दीक ने तीन लश्कर भेजे। सबसे पहले अकरमा बिन अबू जहल को भेजा, अकरमा बिन अबू जहल का बेटा था ये, इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। अकरमा बिन अबू जहल, इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, तो इसे भेजा कि वो जाए मुसलमा के खिलाफ लड़े। मुसलमा इससे भी जंग जीत गया, मुसलमा की आर्मी मजबूत थी, 40,000 की आर्मी थी मुसलमा के पास, वो जंग जीत गया। अकरमा बिन अबू जहल हार गया, लोगों को और भी हौसला बढ़ गया कि जो जंग जीतता जा रहा है इसका मतलब है वो हक पे है। फिर भेजा गया शर्जील इब्ने उसना को, हजरत शर्जील बिन उसना, इन्हें भेजा गया, ये भी जंग हार गए, मुसलमान इनसे भी जंग जीत गया। तब तक खालिद इब्ने वरीद यहां से फरी हो गया था तलेहा से और बाकी लोगों से जो बगावत कर रहे थे। नेक्स्ट भेजा गया खालिद इब्ने वलीद को, हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा जाएगा कि जी आप जाएं, बाकी उन्हें तो कोशिश करके देख लिया, आप कोशिश करें। तो खालिद बिन वलीद क्या करेंगे, जाएंगे लश्कर लेके। तो अब जाके जंग होगी, तकरीबन कहा जाता है 15,000 के करीब लश्कर था खालिद बिन वलीद का। खालिद बिन वलीद का लश्कर 15,000 का था और मुसलमा कज़्ज़ाब का लश्कर 40,000 का था। तो यमामा के मकाम पर जंग होगी, इसे मैं रेज करता हूँ। यमामा के मकाम पर जंग यमामा होगी, इन दोनों के दरमियान में कौन सी जंग हुई बेटा, यमामा, जंग यमामा, लिखे जरा जंग यमामा। यमामा की जो जंग थी वो मुसलमा कज़्ज़ाब और खालिद बिन वलीद के दरमियान में होगी। अच्छा, इस जंग के अंदर खालिद बिन वलीद के साथ एक बंदे का नाम और लिखे, उसका नाम है जी हमारे पास वैशी बिन अरब, वैशी बिन अरब। कौन सा वैशी है, ये वही वैशी है जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, कलेजा चपाया था, जिसने जो हिंदा ने कलेजा चपाया था और वैश्य अरब अरब ने बर्छी मारी थी हजरत हमजा को, शहीद किया था। तो इसे भी नबी पाक ने माफ कर दिया था, नबी पाक ने इसे कहा था कि मेरे सामने ना आया कर, बस मैं माफ करता हूँ। तो इसे भी माफ कर दिया गया था। बाद में इसे कहा जाता बड़ा दुख होता था, ये उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी फिर दुख तकलीफ में। तो वैश्य बिन अरब को जब पता चला कि मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ खालिद लश्कर लेके जा रहा है, तो ये भी इसने वही पर्ची निकाली दोबारा से और लश्कर के साथ चल पड़ा। और जब जंग होगी, जंग यमामा, तो जंग ये मुसलमान कज़्ज़ाब हार जाएगा और खालिद इब्ने वलीद जो था ये जंग जीत जाएगा। तो मुसलमान कज़्ज़ाब भाग रहा होता है, जो बच जाते हैं वो भाग रहे होते हैं, तो एक बाग में जाके पनाह लेता है मुसलमान कज़्ज़ाब, और उसके पीछे पीछे कहीं वैशी बिन अरब भी जा रहा होता है। तो जैसे इसे मौका मिलता है ये क्या करता है, वैसे ही बर्ची से वार करता है मुसलमा कज़्ज़ाब के ऊपर और मुसलमा कज़्ज़ाब गिर जाता है। तो मुसलमा कज़्ज़ाब को इसने कत्ल किया था और उसके बाद कहते हैं बड़ा खुश होता था ये कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है, वो गुनाह तो नहीं धुल सकता जो इसने किया था हमजा की शहादत वाला, लेकिन अपनी जान ये समझता था कि मैंने कुछ ना कुछ तो इस्लाम के लिए चले किया। तो इस तरह मुसलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ,
इस जंग के अंदर 70 हुफाज़े कराम शहीद हुए थे। कितने? 70 हुफाज़े कराम शहीद हुए और तकरीबन 1200 जो थे टोटल मुसलमान शहीद हुए थे। कितने? 1200 तकरीबन मुसलमान इसमें शहीद हुए और जिसमें से 70 हुफाज़े कराम थे उस वक्त के जो हाफिज साहब जो थे जंगे यमामा में। और मुसलमान कज़ाब के बारे में जो आता है कि इसकी तकरीबन जो है ना 21,000 लोग कत्ल कर दिए थे खालिद इब्ने वलीद ने। कितने? 40,000 में से 21,000 लोग इसके कत्ल कर दिए थे, बाकी भाग गए थे। बाकी भाग गए थे और मुसलमान 1200 के करीब जख्मी हुए, शहीद हुए और 70 उसमें से हुफाज़े कराम थे। वो 700 का फिगर और 70 का फिगर आता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बेटा 70 ठीक है उसमें से, मुझे जो रेफरेंस मिला है उसके मुताबिक 70 ठीक है, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये मामलात जो थे झूठे नबियों का जो दावेदार थे वो सारे खत्म हो गए, वो सारे खत्म हो गए। इस तरह से अगर पूछा जाए सबसे पहले झूठी नबूवत का दावा किसने किया? मुसलमान कज़ाब ने किया। अबू बकर सिद्दीक साहब के दौर में खालिद इब्ने वलीद ने क्या किया? इसे कत्ल किया, मतलब उसके जंग में मारने वाला तो वैसे भी नरब था। तो इस तरह से बेटा ये मामला चलेंगे। अब एक एक साइड अभी कवर हुई है, मतलब जो झूठे नबी थे वो वाला मामला अभी कंट्रोल हुआ है। अब जरा हम देखते हैं दूसरी साइड के क्या हुआ जी। ज़कात देने से लोगों ने इनकार कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम तो माहिदा हमारा नबी पाक के साथ था जिसमें से बनू असद एक बड़ा कबीला था, बनू गतफान कबीला था और बनू औस हो गया, ये सारे कबीले जो थे इन्होंने, बनू खजरज कबीला जो था इन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक साहब ने इनके खिलाफ भी जाद किया। अबू बकर सिद्दीक साहब ने कहा कि जो कोई नबी पाक के दौर में एक बकरी के ऊपर एक बकरी भी ज़कात दिया करता था तो क्या आज का दीन वो दीन नहीं है? दीन तो वही है जो नबी पाक का था, ये तो नहीं है कि नबी पाक चले गए तो दीन तब्दील हो गया है। तो जो उस वक्त दिया करता था वो आज भी देगा, जो नहीं देगा मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। इस तरह से जिहाद के हवाले से अगर पूछा जाए आपसे, पेपर में पूछा जाता है कि ज़कात के खिलाफ, ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जिहाद किस खलीफा ने किया, तो ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जिहाद शुरू किया था किसने? अबू बकर सिद्दीक साहब ने, ठीक हो गया जी, जिसमें बड़े बड़े कबीले थे, बनू असद था, बनू गतफान था, बनू खजरज था, ये बड़े बड़े और भी कबीले थे, बहुत सारे नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ये याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से जो है ना बेटा मामला ठीक किए जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया 70 हुफाज़े कराम शहीद हो गए। अब जो है ना मशवरा दिया गया हजरत उमर फारूक की तरफ से अबू बकर सिद्दीक साहब को कि जी आप क्या करें, कुरान मजीद को इकट्ठा एक किताब की शक्ल में लिखवा लें, क्योंकि हुफाज़े कराम तो जा रहे हैं, फौत हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ जो बचे हुए ये भी चले जाएंगे, तो क्यों ना हमारे पास अगली जनरेशन को अगर ट्रांसफर करने के लिए कोई एक किताब की शक्ल में अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो हमारे पास हों, जिसकी कोई ऑथेंटिक हमारे पास कोई नुस्खा हो जिसे हम आगे ट्रांसफर करें अगली नस्लों को। तो कुरान मजीद लिखा हुआ पहले भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ पहले भी था, लेकिन एक किताब की शक्ल में नहीं था। मतलब कहीं पे कोई एक सिपारा, कहीं पे कोई एक सूरत, कहीं पे आधे मतलब है कि आयात या रकू, इस तरह से जो है ना मुख्तलिफ लोगों ने जो है ना सेव किया हुआ था लिख के। तो इस तरह से जो है ना क्या किया जाए, कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल दी जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इस प्रोसेस को कहेंगे हम तदवीन उल कुरान, इसे मैं रेज करता हूँ, तदवीन उल कुरान का लफ्ज यूज किया जाएगा। बेटा दो चीजें हैं, अक्सर हमारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होंगे। एक है जी हमारे पास तदवीन उल कुरान, लिखे जरा तदवीन उल कुरान, और एक है जामे उल कुरान, जामे उल कुरान। तो जामे उल कुरान कहा जाता है हजरत उस्मान को, हजरत उस्मान गनी साहब को कहा जाएगा जामे उल कुरान, आगे चल के पढ़ेंगे मतलब उस्मान के दौर में। अबू बकर सिद्दीक साहब ने क्या किया? तदवीन उल कुरान का काम किया हजरत अबू बकर साहब, हजरत अबू बकर सिद्दीक साहब। तो इन्होंने क्या किया जी? तदवीन उल कुरान का काम किया। तदवीन उल कुरान का मतलब है कुरान मजीद मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में उसे किताब की शक्ल देना। इन्होंने एक ड्यूटी किसकी लगाई? इन्होंने ड्यूटी लगाई हजरत जैद बिन साबित की, हजरत
जैद बिन साबित। तो इनके बारे में बेटा दो चीजें हैं हजरत जैद बिन साबित के बारे में। तो ये इन्हें नबी पाक ने ताकीद की थी कि एक तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेज को सीखे, दूसरा इनकी ड्यूटी थी कि जब भी कोई वही नाजिल होती तो जैद बिन साबित को स्पेशली बुलाया जाता था, इनकी ड्यूटी थी, ये हर वक्त मौजूद रहते थे। तो ये मतलब आप इनके बारे में ये भी सवाल बनाया कि सबसे पहली जो वही के राइटर थे वो कौन है, सबसे पहले जो वही लिखने वाले जो साहबी हैं वो कौन से, जैद बिन साबित साहब थे। जी जैद बिन साबित। तो इनकी ड्यूटी, मशवरा किसने दिया, ये सवाल बनाया। तदवीन कुरान का मशवरा किसने दिया, हजरत उमर फारूक ने दिया। किताब की शक्ल में लिखवाए जाने का जो क्रेडिट है वो हुकूमत तो किसके पास है, अबू बकर सदीक साहब के पास है, इसीलिए उन्हें ही जाएगा। हाँ फिर किसने लिखी, ड्यूटी किसकी थी, तो हजरत जैद बिन साबित साहब जो थे इनकी ड्यूटी लगाई गई। पहले ये राजी नहीं हुए लिखने इकट्ठे करने पे, फिर इन्होंने क्या किया, मुनाजरे किए बाकी सहाबा कराम के साथ, मतलब जो मामलात थे वो देखे कि हाँ क्यों जरूरी है। तो उसके बाद फिर इन्होंने लिखना शुरू किया और किताब को, कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल में उसका एक सैंपल बनाया, नुस्खा बनाया जो कि खलीफा के पास रहा। तो इस तरह से कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में दिया गया, किसके दौर में, अबू बकर सिद्दीक साहब के दौर में। और ये काम किसने किया, जैद बिन साबित साहब ने किया, जैद बिन साबित साहब ने किया। और इस तरह से जो है ना ये तदवीन कुरान का काम मुकम्मल हो गया। तो ये बेटा इनके हवाले से सवाल पूछे जाएंगे। अब यहां से फतुहात शुरू हो जाएंगे, अब यहां से फतुहात शुरू हो जाएंगी। अब एक बंदे का नाम लिखे, मसना बिन हारसा, मसना बिन हारसा, मसना बिन हारसा के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये साहबी थे, कुछ कहते हैं कि ये ताबेई थे, इस तरह से मुख्तलिफ रिवायात है। आपसे ये नहीं सवाल बनेगा। तो मामला कुछ इस तरह से होंगे, मसना बिन हारसा यहां बॉर्डर पे थी, इधर सल्तनत है फारस, ससानीद अंपायर, लिखे जरा ससानीद अंपायर, ससानीद अंपायर मौजूद थी यहां पे, जिसे हम न्यू रोमन अंपायर, न्यू पर्शियन अंपायर भी कहेंगे। सल्तनत फारस, कसरा की हुकूमत, कसरा, कसरा की हुकूमत, या इसे इंग्लिश में वो ससानीद अंपायर कहेगा, ससानीद अंपायर, ससानीद। तो ये ईरान की हुकूमत यहां पे मौजूद है। अब यहां तक इनका बॉर्डर है, मसना बिन हारसा जो है मुसलमान है, यहां बॉर्डर था क्योंकि इस रियासत मदीने का ये बॉर्डर था, तो बॉर्डर के उस तरफ भी कुछ मुसलमान थे, उनके ऊपर सल्तनत फारस के लोग उन्हें लूट के ले जाते, उनके ऊपर जुल्म करते, तो वो कहां जाते, किसे बताते, मदीना इतना दूर है, मदीना शहर पर जा नहीं सकती थी, सल्तनत फारस वाले तो खुद जुल्म करते थे उनके ऊपर। तो उनका जो मसीहा था ना वो था मसना बिन हारसा। मसना बिन हारसा बेसिकली एक गुरिला फाइटर था, इसने 100-200 लोगों का एक आर्मी बनाई हुई थी, ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, और वो क्या करता, ईरानियों के खिलाफ उनके जो लश्कर आते उनके खिलाफ लड़ता, गुरिला वार करता और गायब हो जाता, इस तरह का वो काम किया करता था। तो इस तरह से जब ज्यादा लोग आ गए आर्मी के ईरान की तरफ से लड़ने के लिए, तो फिर ये पहुंचा किसके पास है, मदीना में अबू बकर सिद्दीक साहब के पास, अबू बकर सिद्दीक साहब की हुकूमत है। तो इसने आके कहा अबू बकर सिद्दीक साहब से, वो क्या करें जी, आर्मी भेजें, आर्मी भेजें, ताकि यहां जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये सारे इलाके उनसे आजाद करवाए जाएं। तो अबू बकर सिद्दीक साहब उस वक्त खालिद इब्ने वलीद यहां मुसलमान कज़ाब से फरी हो चुका था, तो उसके बाद खालिद इब्ने वलीद के पास कहा जाता है कोई 3-4 हजार की आर्मी थी, उसके साथ खालिद इब्ने वलीद को कहा गया कि वो क्या करे, मसना बिन हारसा को ज्वाइन करे। किसे ज्वाइन करे, हजरत मसना बिन हारसा को ज्वाइन करे और यहां फारसियों के खिलाफ अपनी जो मुहिम है शुरू करे। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ईरान के ऊपर सल्तनत फारस के ऊपर जो फतवाहत थी इस एरिए की जो थी, ये सारी हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हो गई थी। काफी सारी जंगें होंगी, अजनबी की जंग और बहुत सारी जंगें होंगी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इस तरह से खालिद इब्ने वलीद और मसना बिन हारसा यहाँ पे लगे हुए हैं फारस के खिलाफ, इधर से रोमन अंपायर वालों के खिलाफ जंगें हो रही हैं। तो होगा ये कि अबू बकर सिद्दीक साहब के दौर में ही, अबू बकर सिद्दीक साहब के दौर में ये आखिरी टाइम था जब उनका, मतलब चंद दिन पहले, तो खालिद इब्ने वलीद को कहा गया कि वो ये वाली साइड, ईरान वाली साइड छोड़ दे
और वो चला जाए शाम की तरफ, रूमियों के खिलाफ हमले करने के लिए चला जाए। शाम में कौन बैठे हैं? सतंत्र रूमा, कैसर रूम बैठा हुआ है कि वो किधर पेशकदमी करे? शाम की तरफ। और बसना में हारसा के साथ कुछ सावेकर और जो थे, इन्हें कहा गया कि वो फारस की तरफ जाए। अब दोनों तरफ माज खुल गए हैं, क्योंकि यहां अमन हो गया, एक रियासत जो थी वो मजबूत हो गई। अब बाहर की तरफ निकलेंगी, फतवात शुरू होगी। तो यहां पे छोटी छोटी बहुत सारी जंगें होंगी जिनके बारे में कमीशन नहीं पूछता, खैर। लेकिन आगे चल के जो हजरत उमर फारूक के दौर में जंगें होगी उनके बारे में कमीशन पूछता है, क्योंकि जो ज्यादा इलाका है सल्तनत फारस मुकम्मल तौर पर, सल्तनत रूमस मुकम्मल तौर पर, अगले जो आएंगे खलीफा हजरत उमर फारूक उनके दौर में मुकम्मल तौर पर यह फतह होगी, अभी नहीं होगी। तो इस तरह से हजरत अबूबकर सिद्दीक साहब का टेन्योर रहा। आखिरी दिनों में ये बीमार हुए, बुखार हुआ कहा जाता है, उसके बाद ये फौत हो गए। तो 2 साल 3 महीने इनकी हुकूमत रही। कितने साल बेटा? 2 साल और 3 मंथ इनकी हुकूमत रही। और इनका नमाज जनाजा हजरत उमर फारूक साहब ने पढ़ाया। और ये कहां दफन है? हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में नबी पाक के साथ, नबी पाक के साथ ये दफन है। 2 साल 3 महीने, नबी पाक से 2 साल छोटे थे ये, 63 साल की एज थी इनकी टोटल, 63 साल, 63 ईयर इनकी एज थी टोटल। तो नबी पाक से 2 साल छोटे थे, 2 साल बाद फोत हुए। तो 2 साल 3 महीने इनकी टोटल खिलाफत रही। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर है, देखिये खिलाफत राशिदा जो है ना बेटा, उसका टोटल टेन्योर है 30 साल का। 30 साल जो है ना खिलाफत राशिदा है। नबी पाक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मेरे बाद 30 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रहेगी। तो 30 साल में से पहले 2 साल और 3 महीने बकर सदीक साहब के हैं। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर इनका है, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर हजरत उस्मान गनी का, आगे चल के पढ़ेंगे। 12 साल 12 दिन कम 12 साल उस्मान गनी का टेन्योर है सबसे लंबा। सबसे थोड़ा हजरत अबूबकर सिद्दीक साहब का है, 2 साल और 3 महीने। तो ये बेटा इनकी पर्सनैलिटी के हवाले से सवाल बन सकते थे जो मैंने आपको करवाया। मेरे ख्याल से तकरीबन सारी चीजें यहाँ से कवर हो गई हैं, कोई सवाल मेरे ख्याल से मैंने नहीं छोड़ा। इसमें जो है ना मैं देख लेता हूँ, कोई सवाल अगर रह गया है तो उसे आपको लिखवा देता हूँ। मेरे ख्याल से तो कोई सवाल नहीं रहा बेटा, इसमें तकरीबन जो है ना सारी चीजें कवर हो गई हैं। नमाज जनाजा हजरत उमर फारूक साहब ने पढ़ाया और जो है ना बस ठीक है। हजरत अबूबकर सिद्दीक साहब के हवाले से बस ये सवाल बन सकते हैं, ये कवर हो गया। तो फिर हम आगे शुरू करते हैं, हजरत उमर फारूक का टेन्योर शुरू करते हैं या फिर मैथ करें? हाँ 9 बज गए, हम मैथ करते हैं बेटा, कल शुरू करेंगे, क्योंकि हजरत उमर फारूक को शुरू किया तो 10 बज जाएंगे, फिर हम मैथ शुरू करते हैं बेटा। आज मैथ शुरू करते हैं, बस इस लेक्चर को हम ये रोक